श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का सही ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में लिखा है कि तीन चीज़ें मनुष्य को धनवान बनाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। खुशी पैसों से नहीं, परिस्थिति पर निर्भर करती है। एक बच्चा खिलौना खरीद कर खुश था तो दूसरा खिलौना बेचकर खुश था। सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया कंफ्यूज रहेगी, ना जाने इसको किस बात का सुख है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, पहला झूठे आदमी के साथ प्रेम, दूसरा सच्चे इंसान के साथ किसी तरह का छल। तुम अगर किसी को रुलाओगे तो एक दिन तुमको उससे ज़्यादा रोना पड़ेगा। गीता में लिखा है सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लेते हो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है।